जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंधन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को नारी शक्ति के शौर्य को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग होल्ला किया होगा, लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हुड़दंग शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे, लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है,
कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होनी है आज। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर इस बात का भी जिक्र किया। उनका यह कहना है कि आज बतौर राष्ट्रपति एक महिला द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी और कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। अंतरिम बजट ये होगा सरकार का और ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। और साथ ही उन्होंने हुड़दंग करने वाले सांसदों पर सदस्यों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि हुड़दंग करने वालों को देश याद नहीं रखता, लोकतंत्र का चीर हरण करने वाले अपने आप में मंथन करें। नई सरकार में पूर्ण बजट पेश किए जाने का भी दावा उन्होंने कहा कि हम ही पूर्ण बजट भी पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और